Assalamualaikum viewers, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। राही कुक में आज बहुत ज़बरदस्त डिश बनने वाली है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम लोग गोश्त खा खा के थक गए। जब से बकरा ईद आई है तब से ही गोश्त ही गोश्त चल रहा है, कभी कबाबों में, कभी किसी सूरत में, कभी किसी सूरत में। तो थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट बनाया जाए। उल्टे फुलटे नाम है उसका, और वो हमारी दादी बहुत ज़बरदस्त बनाती थी, तो मैंने कहा क्यों ना दादी के स्टाइल से ही बनाए और अपनी रेसिपी अपने स्टाइल से बनाऊँ। दादी की रेसिपी है और अपने स्टाइल से बनाती हूँ। तो इन्ग्रीडियंट्स नोट करें, उससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। इंस्टा पे भी पेज है, प्लीज़ वहाँ भी फॉलो किया करें। तो फिर चलें आए बनाते हैं। एक पाव के करीब बेसन है, इसमें नमक जाएगा हसबे जायका, आधी चम्मच लाल मिर्च जाएगी, ये एक चम्मच के करीब लहसुन है पिसा हुआ, सफ़ेद ज़ीरा एक चम्मच जाएगा, आधी गड्डी हरा धनिया जाएगा और हरी मिर्च जो है वो दो अदद जाएगी, एक दरमियाने साइज़ की प्याज जाएगी। इन तीनों को अच्छा सा चॉप करना है। सबसे पहले हम बेसन और तमाम मसालों को एक कर लेते हैं। तो बेसन में डालेंगे नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च, इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। तो ये अच्छा सा मिक्स हो गया है। इसमें शामिल कर लेंगे हम लहसुन, प्याज। अच्छा, प्याज को, हरा धनिया और हरी मिर्च को बहुत बारीक हमको जो है वो चॉप करनी है, वरना ये जो है बैटर में जाके बहुत जो है ना भारी हो जाता है, तो फिर जो उल्टे पुल्टे हमारे टूटने के ख़तरा होता है। इसलिए जो है इसको बिल्कुल बारीक हम चॉप करेंगे तो इससे टूटेंगे नहीं। तो तकरीबन हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे। ये तकरीबन एक कप के जितना पानी हमने इसमें शामिल कर लिया है, इसको अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। इसमें थोड़ा और पानी शामिल होगा क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है अभी। अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा और पानी हमने शामिल किया है इसमें, और इससे ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना है, बस ये काफ़ी है इतना पतला। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे मीठा सोडा, तकरीबन थोड़ा सा, एक चुटकी के जितना। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, इससे थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे ना। तो ये हमने 2 से 3 चम्मच के करीब जो है ऑयल लिया है, फैला दें इसको अच्छे से। इसमें तकरीबन 1 चम्मच के जितना जो है, एक बड़ा चम्मच लेंगे, वो हम इसमें जो है वो एक अंडा जैसे हम बनाते हैं खागीना, अंडे का खागीना बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह ही से बनेगा। तो ये बन रहे हैं उल्टे पुल्टे, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ से उल्टाएंगे और यहाँ से पलटाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा नीचे से अच्छा सा जब सिक जाएगा तब पलटाना है, कच्चे में बिल्कुल नहीं पलटाना है वरना ये फट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अच्छा सा नीचे से सिक जाए तो फिर इसको हम चेंज कर देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छा सा पके। और आँच जो है हमें जो है वो मीडियम रखनी है, तेज़ नहीं रखनी है बिल्कुल। चेक कर लेते हैं इस तरफ से अच्छा सा पक चुका है, थोड़ा सा इस तरफ से भी पका लेते हैं। तो ये यहाँ से भी तैयार हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा जो है वो डाल देंगे। अच्छा, जब इसको हम पलटेंगे, उलट पुलट करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा नीचे से इसको पकना चाहिए, एकदम कच्चा कच्चा नहीं होना चाहिए,
थोड़ा जब ये पक जाए तब हम इसको उल्टाएंगे, वरना ये फट जाएंगे। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ इसी बात को। तो एक तरफ से सिक गया है, दूसरी तरफ से सेकेंगे। अच्छा, रिक्वेस्ट है जो चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाती है। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा ये भी तैयार हो गया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। थोड़े ठंडे हो गए हैं तो इसको थोड़ा सा पीसीस काट लेते हैं हम इस तरह से। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कि बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं ये, ठीक है ना। अब इसकी ग्रेवी बनाते हैं। नमक जाएगा हसबे जायका, आधा चम्मच लाल मिर्च जाएगी, पिसा हुआ धनिया जाएगा एक चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा एक चम्मच, कड़ी पत्ता लेंगे चंद अदद, और ये मेथी दाना है ये एक चुटकी जाएगी, लहसुन हमने एक से दो चम्मच लिए हैं, यह हरा धनिया आधी गड्डी लिया है, दो अदद हरी मिर्च ली है, एक चम्मच जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है। इन तीनों को हम मिक्स करके पीसेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये तैयार है, हमने इसका एक पेस्ट बना लिया है। अच्छा, इसमें इमली भी शामिल होगी और ये लेमन है, इसको हम आधा काट के डालेंगे, पूरा नहीं डालना है। तो तेल हमने गरम कर लिया है, उसमें हमने ये मेथी दाने को कड़कड़ाएंगे थोड़ा सा। इसमें शामिल कर लेंगे हम जो कड़ी पत्ता है उसको, फिर साथ में हम लहसुन को भी इसमें शामिल कर लेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे लहसुन को। अब इसमें शामिल करेंगे हम, हमने जो हरा मसाला बनाया था यानी कि हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और हरा धनिया का, वो इसमें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स, और थोड़ा सा इसको पकाएंगे भी ताकि मसाले का कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। अब इसमें तमाम जो है वो खुश्क मसाले चले जाएंगे, यानी कि नमक और धनिया, ज़ीरा पिसा हुआ और लाल मिर्च, इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन एक कप के जितना पानी, और मसाला पकने तक इसको छोड़ देंगे ताकि तेल ऊपर अच्छा सा आ जाए इसका। तो देखें, तेल अच्छा सा ऊपर आ गया है और मसाला जो है अच्छा सा पक भी चुका है। इसमें शामिल करेंगे हम इमली का पानी। इमली का पानी पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, जितनी आपको खटास चाहिए उतना ही लेना। पूरा डालेंगे तो बहुत खट्टा हो जाएगा, थोड़ा कम लग रहा था इसलिए हमने थोड़ा सा और शामिल किया है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इस सूरत में हम ये अपने उल्टे पुल्टे इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी देर इसको ढक के पकाएंगे ताकि ये सारे मसाले जो है एक जान हो जाए। तो देखें, ज़बरदस्त से मसाले जो हैं अच्छे से पक भी चुके हैं और ये थोड़े से फूल भी चुके हैं और मज़ीद, ठीक है ना। तो ये जो है नींबू, इसमें बस हमने थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है इसमें लेमन का, तो इसलिए डाला है। बाकी कर देते हैं चूल्हा बंद, अब बताते हैं आपको। तो ज़बरदस्त सी जो है उल्टे पुल्टे रेडी हो गए हैं। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।